अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मरवा। तो आज मैं क्या शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ, जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये सोशल मीडिया पे। आज एक मैं कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी जिसका नाम है डेलगोना कॉफ़ी। बहुत ही ज़्यादा आजकल इसकी तो भाई हाइप हुई हुई है और समझ में नहीं आ रही कि क्यों हुई हुई है। तो इसलिए तो मुझे बनानी थी ये कॉफ़ी आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये भी पसंद आएगी। पहले भी मैं आप लोगों के साथ एक कॉफ़ी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, ये वाली रेसिपी उस रेसिपी से डिफरेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वर्जन डेलगोना कॉफ़ी का पसंद आएगा। तो आज की वीडियो को कर लेते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले एक बाउल में मैंने ऐड किया है कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स, इसके साथ में इसमें ऐड कर दूँगी शुगर और इसके साथ में इसमें ऐड कर दूंगी कोको पाउडर। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर दें। फिर इसमें आप डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी लेके आपको इसको बहुत अच्छी तरह से विस्क करना है। इतना विस्क करना है कि आपका हाथ दुखने लग जाए। नहीं, हाथ दुखाना नहीं है, आपने इसको बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने विस्क करना है, विस्क 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 एंड दैट्स इट। और इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कॉफ़ी है और इसको बनाना भी उतना ही आसान है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन आप ट्रस्ट मी, इतनी मज़े की कॉफ़ी बनती है। इवन आई एम नॉट अ कॉफ़ी लवर, बट फिर भी ये बहुत मज़े की बनती है। 10 मिनट बाद विस्क करते जाएं तो आप देखेंगे कि इसकी क्या हालत हो गई है। इस तरह का ये हो जाएगा थिक, और मेरा हाथ वाकई में दुख गया था इसको विस्क करते करते करते। तो बस आपको इन तीनों चारों चीज़ों को बस विस्क करना है, विस्क करना है, विस्क करना है। इन दी एंड आप देखेंगे इसका कलर भी लाइट हो गया है और ये इतना क्रीमी सा हो गया। दैट्स इट। कॉफ़ी बनाना तो आप सब लोगों को आती है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था तो फिर इसलिए मुझे इसको अपलोड भी करना था, इस वीडियो को शूट भी करना था। और इट टेक्स ओनली आई गेस 20 मिनट्स इस तरह का फ्रॉथ सा फॉर्म सा बनाने में। और ये हो गया है बिल्कुल तैयार। अब मैं क्या करूँगी, इसके लिए चाहिए होगा आपको ठंडा दूध। आप लोगों ने दूध को गर्म नहीं करना, ना ही इसमें चीनी डालनी, कुछ नहीं करना। ठंडा दूध आप इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर हाफ से भी थोड़ा सा कम ग्लास आप दूध ऐड करेंगे और इसके ऊपर ढेर सारी आप डाल देंगे वो जो हम लोगों ने कॉफ़ी क्रीम बनाई थी, वो आप सारी भर देंगे। बेसिकली वाइट और ब्राउन जो कॉफ़ी का कलर होता है वो ग्लास में नज़र आना चाहिए। एंड दैट्स इट, योर डेलगोना कॉफ़ी इज़ एब्सोल्युटली रेडी। कोई इसमें वो नहीं है, पता नहीं ये क्यों इतना लोगों ने इसको ट्रेंडिंग कर दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। कोई इसमें मुश्किल नहीं है और आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं, इजीली आप लोगों के घर की किचन पैंट्री में अवेलेबल होंगे। इस तरह से जो कॉफ़ी की मैंने ऊपर वो डाली थी फॉर्म सी, वो मैं साइड्स तक इस तरह पुश कर रही हूँ ताकि एक अच्छा सा लुक आए आपके ग्लास में, ठीक है। और आपकी कॉफ़ी हो गई है बिल्कुल तैयार। ये जो फ्रॉथ्स है ना, ये आपको ग्लास में ज़्यादा डालना है बस, और इसमें कुछ नहीं है। दूध कम है और फ्रॉथ ज़्यादा है और बस, कॉफ़ी इज़ एब्सोल्युटली डन। ऊपर मैं इसके डाल दूंगी कोको पाउडर, हल्का सा स्प्रिंकल कर दूंगी जस्ट फॉर द कलर। और कॉफ़ी हो चुकी है बिल्कुल तैयार। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये रेसिपी भी, आप इसको ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे लाजमी देना। यहाँ पे मैं अपने थंबनेल की तैयारी कर रही थी और मिलूंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देना है इस वीडियो को एक लाइक। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। आप लोगों ने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा थैंक यू। अब मुझे देंगे आप लोग इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।